ओके तो गाइस बैटल थ्रू द हेवेंस का एपिसोड 26 जो कि सीजन 5 का या फिर कह लो सीजन 6 का हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्रीव्यू और ट्रेलर कह सकते हो आप उसको। तो यार हम वीडियो को यहीं से स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं, पहले ही अगर आप मेरी वीडियो पे कहीं से ही पहले बार आ गए तो प्लीज सब्सक्राइब मार दो, लाइक मार दो, कमेंट करना तो मत भूलना अगर आप पूरी दुनिया में कहीं से मेरी वीडियो देख रहे हो तो। और बिना किसी और बकवास के वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? एपिसोड को की प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जो हमारा शोयन और हमारे जो येलो मास्टर है शोयन के, लिटरली वो खड़े होते हैं पहाड़ के ऊपर, एक माउंटेन के ऊपर खड़े होते हैं। और एक जनाक से फिर वो एक वहाँ पर इसलिए आए होते हैं क्योंकि वो माउंटेन पिल को बना सके, एक ग्राउंड पिल है जो कि 6 टायर की पिल है। फिर वहाँ पर वो पहुँचने के बाद एक जो उसके मास्टर है वो स्टप समन करते हैं एक कढ़ाई को जो कि एक ब्लैक कलर की हेवनली कढ़ाई होती है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की होती है। येलो फिर जो कि शोयन के मास्टर है वो फिर ग्राउंड पिल बनाना स्टार्ट कर देते हैं अपनी बोन चिली फ्लेम की मदद से। और फिर वो ये बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली थी क्योंकि 6 स्टार के पिल बनाना इतना आसान नहीं होता है और लिटरली उसके मास्टर 6 स्टार की पिल बना रहे थे। और बनाते बनाते उनको बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो रही थी इस पिल को बनाने में और शोयन अलग साइड में बैठ के देख रहा था कि मास्टर पिल कैसे बना रहे और वो बना नहीं सकता था पिल क्योंकि अगर वो बनाने की कोशिश करता तो उसका लेवल बहुत ज्यादा कम है, वो जल्दी हार मान लेता बनाने से, इसलिए वो बना नहीं सकता था लेवल 6 टायर की पिल अब क्योंकि डुआन हांग के लेवल का नहीं है वो ड्वेलिंग लेवल पर। इसीलिए और बात करें आगे क्या हो रहा था, आगे एपिसोड के अंदर प्रीव्यू के अंदर दिखाया जाता है कि जो हमारे मास्टर है वो ग्राउंड पिल को बना चुके होते हैं लिटरली हमारे जो ग्राउंड पिल को, और बहुत ज़्यादा 6 टायर की पिल की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज शाइन कर रही होती है। और फिर शोयन हमारा जो होता है अपने मास्टर को कहता है, मास्टर चलिए हम यहाँ से चलते हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए क्योंकि आपने 6 स्टार की पेड़ बनाई, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लूज हुई होगी। और फिर वहीं से जाते ही है ताकि वहाँ पर उन्हें पता लग जाता है किसी एल्डर को बाहर के कि यहाँ पर कोई 6 स्टार की पिल रिफाइन हो रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज रोशनी आ रही है। और एक एल्डर वहाँ पर इन अकेडमी का जो होता है लिटरली वो पहुँच जाता है वहाँ पर जहाँ पर शोयन होता है और शोयन ये सब महसूस कर लेता है उसकी एनर्जी को जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है लिटरली, लेकिन वो जाकर फिर छुप जाता है एक झाड़ी में ताकि उसको कोई एल्डर देख ना सके। और उसके बाद जो वो एल्डर छुप होता है शोयन जो मारा था वो झाड़ी के अंदर छुप जाता है और वहाँ पे एल्डर पहुँच जाता है। एल्डर वहाँ पहुँचते ही कहता है कि भैया कहाँ पर हो तुम, बाहर निकलो और तुम अकेडमी के अंदर पिल कैसे रिफाइन कर रहे हो, वो भी 6 स्टार की, और तुम कौन हो, बाहर निकलो यहाँ से। फिर वहाँ पे एल्डर वहाँ पर खड़ा रहता है थोड़ी देर और बोलता है कि तुम जल्दी से बाहर निकलो, और वहाँ पर शोयन बाहर नहीं निकलता है। फिर बाद में थोड़ी देर बाद शोयन वहाँ से बाहर निकल जाता है और पता लगता है कि भैया एल्डर वहाँ से जा चुका है। और फिर अपना शोयन वहाँ पर जाता है अपने अकेडमी के अंदर एंट्री करता है, एंट्री करते ही वहाँ पर खड़ी होती है जिया और जिया शोयन को बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और शोयन भी पूछता है कि भैया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और क्या फिर जिया बोलती है कि मुझे तुम्हारे लिए अपने एल्डर्स के लिए जो कि वहाँ पर एल्डर हाउ है उनके लिए ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल बनवा रही थी तुमसे, इसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स लेकर आई हूँ और अपने लिए फायर रूट लेकर आया ताकि मैं तुमसे एक अच्छी सी टेस्टी सी एक पिल बनवा सकूँ। और फिर शोयन कहता है कि तुम सुबह आना, इस वक्त तुम अभी मतलब अगले लेस्ट डे आना, तभी तुम्हें मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पिल नहीं बना सकता। और फिर लेकिन जिया कहती है नहीं मुझे अभी ही पिल चाहिए और मेरे लिए मेरे को अभी पिल चाहिए और तुम मुझे अभी पिल बना कर दोगे। फिर शोयन थोड़ा सोचता है उसके बाद उसके पिल बना कर दे देता है उसको जो फायर रूट लेकर आई होती है, लेकिन ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल नहीं बनाता है वो इस वक्त और बोलता है मैं इसको बाद बना कर दूंगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारी शुनार होती है, शोयन उससे पूछता है कि यहाँ पर पेनगेट में चल क्या रहा है, उसके बाद वो बताती है कि ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद अचानक से लिन यान आ जाता है वहाँ पर और शोयन के ऊपर अचानक से आते ही अटैक कर देता है कि वो देखना चाहता था क्या भैया कि तुम कितने पावरफुल हुए हो, और अटैक करते ही करने वाला होता है लेकिन वहाँ पर जिया बीच में आ जाती है और उसे एक ही हाथ से मतलब रोक देती है लिटरली बिल्कुल, क्योंकि वो डॉन हंग लेवल से भी ऊपर लगभग होती है और वहाँ पर एक ही उंगली से उसको रोक देती है वहीं पर डॉन लिंग को मतलब। और फिर शोयन भी उसे रोकने की कोशिश करता है कि उसे कुछ मत करो, लेकिन उसको शोयन को भी एक ही झटके में एक ही हाथ से वो रोक देती है वहीं पर। मैं लिटरली शॉक हो गया, तो गूज बम आ गए थे ये सीन देख के लिटरली मेरे को। और बता रहा आप एक्सप्लोर के एपिसोड के संडे को जो आएगा ना उसमें ये सीन देख के भैया आप भी मतलब खुश हो जाओगे लिटरली, शॉक हो जाओगे सब चीज़ें देख कर लिटरली, मेरे को तो मज़ा आ गया एपिसोड देख कर। और बस इतना ही था, ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो गया था हमारा। और मैं बताना चाहता हूँ अगर आपको इसको नोवल बेस मेरे को जानना है कि भैया आगे कहानी में क्या होने वाला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मार दो, मैं मंगलवार को आपको अपलोड कर दूंगा वीडियो या बुधवार तक लगभग अपलोड कर दूंगा, वेडनेसडे या ट्यूजडे तक कर दूंगा और आप उस वीडियो को देख सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब मार देना मेरे को इसका अगर आपको देखना है तो। मिलते किसी और मेरे, तब तक के लिए सायोनारा, टाटा बाय 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 बाय। और एक और चीज़ लास्ट में बोलनी थी, हैप्पी न्यू ईयर मेरे दोस्तों, 2023 में आपका सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी दिन अच्छे जाएंगे, उम्मीद करता हूँ भाई। I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I'm ready.